नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे NTT भर्ती की। नर्सरी प्रशिक्षित संघ मंडी ने ADC जतिन लाल के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए प्राथमिक स्कूलों में नर्सरी टीचर की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की है। प्रदेशाध्यक्ष तरंजसी नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर 2022 को 4,784 पदों को भरने की मंजूरी कैबिनेट से दी थी। उसके उपरांत 28 सितंबर को भर्ती प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है, लेकिन आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। भर्ती प्रक्रिया को समय रहते पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से अनुमति लेने की मांग की है। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने अभी तक इन पदों को नहीं भरा है। भारतीय मजदूर संघ और नर्सरी प्रशिक्षित संघ ने शिक्षा विभाग से मांग उठाई है कि प्राथमिक पाठशालाओं में नर्सरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों को शीघ्र नियुक्त किया जाए। वर्तमान समय में प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में नर्सरी कक्षाओं में लगभग 60,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पाठशाला में प्रशिक्षित अध्यापक न होने के कारण बच्चों की पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि शिक्षा विभाग को अधिशीघ्र आदेश जारी किए जाएं और NTT की भर्ती के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जाए। NTT भर्ती पे कोई भी सूचना रहेगी तो मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।